please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के राजभवन में धरने पर बैठे सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। अफसरों की हड़ताल के मुद्दे पर केजरीवाल वहां पिछले 8 दिन से धरने पर हैं। लेकिन उनके धरने के खिलाफ दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुछ सख्त सवाल उठाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि एलजी के दफ्तर में सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री क्या कर रहे हैं और वो धरना दे रहे हैं या हड़ताल पर हैं। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि धरने या हड़ताल के लिए क्या उन्होंने एलजी से इजाजत ली है और क्या इस तरह किसी के परिसर में धरना या हड़ताल की जा सकती है। गवर्नमेंट के लॉयर को बहुत ही डांट लगाई ये कहते हुए कि जो धरना है वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से दलील दी गई कि सीएम उपराज्यपाल से मिलने गए थे, लेकिन जब एलजी से मुलाकात नहीं हुई तो वो वहीं बैठ गए। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से भी वकील मौजूद थे, जिन्होंने कोर्ट में सीएम केजरीवाल के धरने को गलत बताया और दलील दी कि कोई भी आईएएस अफसर हड़ताल पर नहीं है और वो लगातार दफ्तर में काम कर रहे हैं। एलजी हाउस के अंदर धरने पर बैठना ये पहली बार हो रहा है। एलजी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एलजी के घर के अंदर कैसे कोई धरने पर बैठ सकता है। दिल्ली सरकार की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आईएएस एसोसिएशन को भी पार्टी बनाया जाए। कोर्ट 22 जून को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। लेकिन कोर्ट का सख्त रुख देखते हुए सीएम केजरीवाल के धरने पर सियासी माहौल और भी गर्म हो गया। आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला करने में बीजेपी ने देर नहीं लगाई और पार्टी प्रवक्ता ने एक बार फिर केजरीवाल को काम पर लौटने की नसीहत दी। धरना प्रदर्शन किसी के घर के बाहर होता है, किसी के घर में घुसकर और वहां पर जाकर इस तरह से धरना देना ये सही नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने रुख पर कायम दिखी। आज ये नौबत आई है कि अरविंद केजरीवाल को पिछले 7 दिनों से वेटिंग रूम में बैठना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने जो विधायक बैठे हैं उनको किसने अनुमति दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बार बार निवेदन करने के बावजूद उपराज्यपाल सीएम से मिलने का वक्त नहीं निकाल पा रहे। सीएम केजरीवाल के धरने पर कोर्ट शुक्रवार को क्या फैसला देगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल सवाल ये कि क्या कोर्ट का सख्त रुख देखते हुए सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री राजभवन में अपना धरना खत्म करेंगे।